अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं, इंडिस टोयोटा करोला 1988 मॉडल है, और जिसे हम अपनी ज़बान में 88 गाड़ी भी कहते हैं। ये गाड़ी फॉर सेल है, और ये मतलब है आपको जेन्यून फुल, मतलब बम्पर टू बम्पर आपको जेन्यून मिल जाती है। इसके अलावा आपको आफ्टर मार्केट कुछ चीज़ इंस्टॉल मिल जाती हैं, जिस तरह के लाइट्स वगैरह, इसकी किट्स वगैरह। और इसकी अगर माइलेज की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से ये 1500 और 1600 के दरमियान के अंदर ये मतलब ये किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, और मतलब फुल मॉडिफाई गाड़ी की गई है, जिस तरह इसके अलॉय रिम वगैरह, इसके ग्लासेस वगैरह। तो रिव्यू के साथ चलते हैं। अगर उससे पहले अगर आप में से कोई बंदा इस गाड़ी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ मतलब लोकेशन, रिव्यू, मतलब हर चीज़ वगैरह शेयर कर सकता हूँ। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्रंट की तरफ चले जाते हैं। ये आ गया इसका फ्रंट। फ्रंट इसका डिसेंट सा, सिंपल सा इसका फ्रंट है, और जिसके ऊपर आपको साइड में इसके वॉशर मिल जाते हैं। अगर फिंडर की बात की जाए, तो फिंडर के ऊपर आपको छोटी सी लाइट्स दी जाती हैं, जो कि कुछ मॉडल्स के अंदर आया करते थे, जिसके अंदर आपको मेरून कलर का इंटीरियर मिलता है। उसके अंदर आपको फिंडर के अंदर आपकी लाइट्स वगैरह इंस्टॉल मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सलोन का लोगो मिल जाता है, और फिंडर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बॉनेट भी। अब लाइट की तरफ चले जाते हैं। ये आगे इसकी लाइट्स डिस्टेंस ही आपको एक बल्ब वाली लाइट्स मिलती है, जिसके अंदर आपको लो हाई बीम के मतलब ऑप्शन मिल जाता है। साइड में आपको मीडियम लाइट, और साइड में आपको छोटा सा इंडिकेटर दिया जाता है। मीडियम इसकी ग्रिल की बात की करें, तो आपको क्रोम की आपको मतलब इसकी ग्रिल दी जाती है, जो कि मीडियम में ब्लैक, और साइड में आपको क्रोम की इसकी दी जाती है। बम्पर की बात अगर की जाए, तो बम्पर इसका आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है, और इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की लाइन, और इसके अंदर आपको क्रोम की एक मतलब गोलनुमा मिल जाता है। साइड में आपको इंडिकेटर, मिडम में आपको डबल ग्रिल, और इसके अलावा आपको मतलब फॉग लाइट, जो कि आफ्टर मार्केट उन्होंने इंस्टॉल करवा रखी है, वो आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको बॉडी किट आपको फ्रंट बम्पर के ऊपर, एंड इसके अलावा बैक सॉरी फ्रंट बम्पर के ऊपर आपको इसकी सिर्फ ओनली किट्स मिलती हैं, और फ्रंट इसका काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, और आपको सारी लाइट्स बिल्कुल ओके मिलती हैं। बम्पर आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। अब इसकी विंडस्क्रीन की बात कर लेते हैं। इसकी विंडस्क्रीन आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाती है, लेकिन इसके ऊपर आपको मतलब है मिल जाता है, इसके ऊपर ब्लैक पेपर इंस्टॉल की गई है, जो कि मतलब है कि एक स्पोर्टिंग माल मतलब गाड़ी हो तो ऊपर मतलब ये मतलब पेपर वगैरह लगा रखते हैं, इसका इतना इश्यू नहीं आता। मतलब आप इसे हटाना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं। इसके अलावा इसका रूफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिल जाता है। विंडोज़ के पैनल्स के ऊपर की बात की जाए, तो वो आपको ओरिजिनल ब्लैक कलर के अंदर मिलते हैं। कुछ गाड़ियों के वाइट ही होते हैं, और कुछ गाड़ियों के आपको ब्लैक मिल जाते हैं। इसके अलावा सनशाइन के मतलब जो प्लास्टिक के मिल जाते हैं, धूप से बचने के लिए, वो आपको स्टॉल मिल जाते हैं। विंडोज़ की बात की जाए, विंडोज़ आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलते हैं, और कहीं पर कोई डंट वगैरह नहीं है। इसके अलावा इसके विंडोज़ के हैंडल्स आपको ब्लैक, एंड साइड में आपको क्रोम की लाइंस वगैरह दी जाती हैं। मिडम में इसके गोले भी आपको दिए जाते हैं, और नीचे आपको जो इसका मतलब फिन बोर्ड है, वो भी आपको ब्लैक कलर का अंदर मिल जाता है। इसकी बैक साइड की मतलब चले इसकी बैक साइड के ऊपर चलते हैं, तो ये इसकी आगे बैक साइड, ये भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन। साइड में आपको इसकी ग्रिल, एंड आपको मतलब है पूरा जो मतलब विंडोज़ के ऊपर जो इसका मतलब है पैनल्स हैं, वो आपको एल्यूमिनियम के इसके गोले नुमा इसके ऊपर स्टॉल आपको मिल जाते हैं, और इसका मतलब है ये मतलब राइट वाली साइड तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाती है। इसके अलावा इसके अलॉय रिम की बात करें, तो आफ्टर मार्केट इसके अलॉय रिम दिए गए हैं, और इसके टायर्स आपको मतलब है कि स्पोर्टिंग नुमा, और काफ़ी मतलब लो प्रोफाइल आपको इसके अंदर टायर्स मिल जाते हैं। अगर इसकी ओरिजिनल रिम की बात की जाए, जो कि गाड़ी के अंदर ओरिजिनल आया करते थे, तो उनका कहना है वो मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर वो भी किसी को चाहिए हुए तो मतलब ओरिजिनल जो इसके मतलब रिम है, वो भी मतलब हम दे सकते हैं। इसके अलावा चिकन मेड भी आपको स्टार मिल जाते हैं। बैक साइड के बम्पर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ये मतलब साइड आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाती है। अब दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आगे इसकी मतलब है कि लेफ्ट साइड, यहाँ पर आप इसका फिंडर वगैरह आप बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लोगोस वगैरह और इसकी लाइट्स वगैरह बिल्कुल परफेक्ट गई हैं, और इसके बम्पर वगैरह की अगर मतलब बात की जाए, तो यहाँ से भी इसकी बम्पर वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसके अलावा विंडोज़ की बात की जाए, तो गोले इसके बिल्कुल परफेक्ट, हैंडल्स हर चीज़ आपको परफेक्टली मिल जाती हैं। साइड मिरर की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको मतलब है कि ऑटो मतलब एक रोटेटर मतलब जो होते हैं, मतलब आप अंदर से आपको मतलब आप अंदर से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ऑटो होते हैं, इनके बटन वगैरह मतलब डैशबोर्ड के साथ दिए जाते हैं, तो ये मतलब आपको वर्कली मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी बैक साइड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, विंडोज़ और मतलब हर चीज़ आपको परफेक्टली मिल रही है। अब जो चले जाते हैं इसकी बैक साइड की जानेब, ये आगे इसकी बैक साइड। पहले इसकी विंडस्क्रीन की बात की जाए, तो इसके ऊपर मतलब आपको चारों विंडोज़ और फ्रंट और बैक साइड के ऊपर आपको जितनी भी इसकी मतलब विंडोज़ हैं, इसके ऊपर आपको ब्लैक पेपर मतलब आपको मिल जाता है 70-80% स्टॉल, ठीक है। आप मतलब हटाना चाहें तो मतलब ये तो कानूनी जुर्म है, मतलब आप नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने लगवा रखे हैं, तो आप अगर हटाना चाहें तो वो इतना मुश्किल नहीं है, शीट होती है, मतलब आप हाथ से हटा सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ की साइड में आपको क्रोम की मतलब इसकी गोलनुमा मिल जाते हैं। अगर ट्रंक की बात की जाए, तो ट्रंक आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन
मिल जाता है। इसकी स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आप मतलब दो या तीन बैग बड़े रख सकते हैं, और अगर इसके अंदर CNG किट वगैरह स्टॉल ना हो सिलेंडर तो फिर आप तीन बैग रख सकते हैं, नहीं तो आप एक या दो बैग बड़े रख सकते हैं। इसके अलावा 1.5 SE लिमिटेड जी आपको मतलब ये गाड़ी मिल जाती है टोयोटा करोला, और आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाती है। इसकी लाइट्स की बात की जाए तो ऊपर आपको इंडिकेटर आपको व्हाइट कलर के अंदर दिया जाता है, इसके साइड में रिवर्स लाइट, नीचे आपको टेल लाइट जिसके अंदर आपको दो बल्ब मिल जाते हैं। मिडम में आपको मतलब है कि ये मतलब होता है मॉडिफाई मतलब शो मिट के लिए मतलब चीज़ें लगाई गई हैं, मतलब है इसके अंदर कोई लाइट्स वगैरह का इशू नहीं होता। हाँ, साइड में आपको इसकी नंबर प्लेट की लाइट्स मिल जाती हैं, साइड में इसका क्रोम का आपको कवर भी मिल जाता है, और बैक साइड भी इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बम्पर की बात की जाए, बम्पर भी बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन मिल जाता है, पूरा वाइड और मतलब डिसेंट साइड बम्पर है इसके, इतना नहीं नीचे एग्जॉस्ट का जैसा कटिंग मतलब ओरिजिनल इसके आया करती थी। इसके अलावा ब्लैक कलर की आपको इसकी लाइन दी जाती है, उसके अंदर आपको क्रोम कलर का गोला दिया जाता है। एग्जॉस्ट इसके अंदर डबल आया था, ठीक है, इसको ओरिजिनल एग्जॉस्ट ही डबल है, ये ऊपर इसके मतलब इन्होंने आफ्टर मार्केट इन्होंने क्रोम का मतलब कवर वगैरह लगा रखा है, लेकिन इसके मतलब ओरिजिनल इसके एग्जॉस्ट दो ही आए थे जिसकी मतलब दो मतलब नालियाँ थी, ठीक है। और ये इसके टोयोटा के ओरिजिनल इसके चिकन मेट, और इसका मतलब आप ये देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी गाड़ी परफेक्टली मिल रही है। अब चले जाते हैं इंटीरियर की तरफ, या आगे इसका कुछ इंटीरियर मेरून कलर के अंदर आपको इसका इंटीरियर मिल जाता है। पहले इसकी विंडोज़ की तरफ चले जाते हैं, या आगे इसकी विंडोज़ आपको पूरा लेदर में दिया जाता है, ठीक है, नीचे रुकजीन और मिडम में आपको मतलब फ्रंट ऑटो मतलब विंडोज़ दिए जाते हैं, और साथ में आपको मैनुअल विंडोज़ साथ में अनलॉक अनलॉक का बटन भी दिया जाता है। हार्ड प्लास्टिक के अंदर इसका हैंडल जो कि मेरून कलर के अंदर ही आपको दिया जाता है। विंडोज़ के पैनल्स के ऊपर भी आपको प्लास्टिक दी जाती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक गाड़ी आपको दी जाती है, ठीक है। और इसके डैशबोर्ड की बात की जाए तो डैशबोर्ड आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और काफ़ी डिसेंट सा मिल जाता है, जो कि मतलब है कि जितने भी 99 और मतलब 88 मॉडल्स आए इनके अंदर आपको एक ही सिंपल सा डैशबोर्ड मिलता है। पाकिस्तानी एडिशन के अंदर आपको ब्लैक मिल जाता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानी एडिशन होता तो उसके अंदर आपको यहाँ पर रेडियो सिस्टम मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको मतलब काफ़ी गेजेस मुख्तलिफ मिल जाते हैं। इसके अलावा आरबी मीटर स्पीडोमीटर जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं, मैंने काफ़ी गाड़ी का रिव्यू किया था। इसके अलावा स्टेयरिंग की बात की जाए, काफ़ी डिसेंट आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, और मिडम में इसका लोगो वगैरह और हॉर्न का बटन दिया जाता है, इसके अंदर आपको कोई एयरबैग वगैरह नहीं दिया जाता। इसके अलावा मिडम में दो एसी इक्विपमेंट्स राइट एंड लेफ्ट की जाने भी आपको एसी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, नीचे छोटा सा बॉक्स। इसके अलावा मिडम में ये मैनुअल आपको इसके हैंडल्स दिए जाते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी आपको मतलब ऑप्शन मिल जाता है। नीचे इसका मतलब है कि ये आर्मरेस्ट वगैरह आपको दिया जाता है। हैंडब्रेक सीट्स की बात की जाए तो पूरी रुकजीन के अंदर आपको इसकी सीट्स दी जाती हैं, और काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको मतलब अंदर से इंटीरियर बॉयर्स हर चीज़ आपको परफेक्टली गाड़ी मिल रही है माशाल्लाह। बैक साइड के ऊपर चले जाते हैं, ये आगे इसकी बैक साइड की सीट, और इसके ऊपर आपको व्हाइट कलर के इसके मतलब कवर भी मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा सीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। इसके अलावा इसके ऊपर आपको दो सीट बेल्ट मिल जाते हैं, साइड में विंडोज़ का मतलब बैक साइड की भी आपको दिखा देता हूँ। डिसेंट सा आपको ऊपर लेदर मिडम में सॉरी लेदर कह रहा हूँ मतलब इसकी लेदर मिडम में आपको इसकी रुकजीन आर्ट प्लास्टिक के इसके हैंडल्स वगैरह, और साइड में आपको इसके बटन वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है। स्पेस की बात की जाए तो इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है, और एक्सीनोमा गाड़ी से तो मतलब ज़रा सी कम है, लेकिन उसकी ज़रा सी ज़्यादा इसकी इसकी मतलब ज़रा सा इसलिए ज़रा सी उससे मतलब हट कर है क्योंकि इसकी जो सीट है बिल्कुल फ्लैट है। अगर आप तीन बंदे भी बैठना चाहें तो मतलब रिलैक्स बैठ सकते हैं। मैं जो मिडम वाला बंदा है ज़रा सा उसकी मतलब दुश्वारी पेश आएगी, लेकिन बैठ सकता है परफेक्टली। ये इसके विंडोज़ के हैंडल्स के बटन वगैरह मैं आपको ज़रा सा जूम करके दिखा देता हूँ। लॉक अनलॉक के बटन विंडोज़ ऑटोस के, और दूसरे आपको मैनुअल और ये ऑक्सीन, और ऊपर आपको लेदर वगैरह दी जाती है, नीचे आपको प्लास्टिक की शीट भी दी जाती है। अब चले जाते हैं इंजन रूम की तरफ, ये आ गया इसका कुछ इंजन रूम। इसके अंदर आपको 1600 CC EFI इंजन आपको ओरिजिनल गाड़ी के अंदर जो आया करता था वो आपको मिल जाता है। इसकी फ्रेम की बात की जाए, फ्रेम बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाता है। फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। और इसके अलावा इसके यहाँ पर एग्जॉस्ट वगैरह मतलब इसके नीचे एग्जॉस्ट वगैरह की मतलब इसके ऊपर मतलब लगाया ताकि मतलब इसकी मतलब ये चीज़ें भाप मतलब जिसकी टेम्परेचर है वो मतलब ना हो सके अंदर जा सके, इसकी मतलब शीटें वगैरह नीचे लगा रखी हैं। इसके अलावा AC के सिस्टम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर चीज़ आपको परफेक्टली मिल रही है। AC हीटर हर चीज़ स्टार बैटरी ब्रांड न्यू इसके अंदर डाली गई है। ओरिजिनल इसकी बैटरी ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो वो मतलब ख़राब हो चुकी थी, तो उन्होंने ब्रांड न्यू डाली है। इसके अलावा हर चीज़ आपको परफेक्ट गाड़ी मिल रही है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, इंजन रूम आप मतलब आपने इंजन रूम आप लोगों ने देख लिया। अब चले जाते हैं ट्रंक की तरफ, ये आ गया इसका कुछ ट्रंक, और ट्रंक नीट एंड क्लीन है, और इसकी स्टेपनी जो आया करती थी वो इसके अंदर स्टॉल है।
तो ये इसके कुछ ट्रंक है। स्पेस मैंने आपको बता दी कि दो बैग आप रख सकते हैं, अगर इसके अंदर सिलेंडर तो इंस्टॉल नहीं, अगर होता तो दो बैग, नहीं तो आप तीन बैग रख सकते हैं। तो ये कुछ इसका इंजन रूम था, और ये कुछ इसका इंटीरियर था, सीट्स वगैरह कुछ इंटीरियर वगैरह था। तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाती है। इसके अलावा ये गाड़ी है, बाहर से मैंने आपको मतलब पूरी लुक वगैरह दिखा दी। उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और अपने भाई को दीजिए सलाम। इसके अलावा अगर आप और मतलब और कोई गाड़ियों के बारे में रिव्यू चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। और हाँ, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, कुछ भाई ने मुझे कॉलें की वगैरह, तो जो गाड़ियों का वो पूछ रहे थे वो गाड़ियाँ ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं, तो उनके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। क्योंकि यार रिव्यू मैं बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि शुरू में गाड़ियाँ लाजमी खड़ी होती हैं, तो वो गाड़ियाँ मतलब बहुत ही बड़ा शोरूम है पेशावर के अंदर, बंगिश मोटर शोरूम। तो उसके अंदर यार मतलब हर दिन यार 5 या 6 गाड़ियाँ तो मतलब लाजमी सेल हो जाती हैं। तो इसलिए कुछ भाइयों मेरे मतलब गिला भी कर रहे थे, मतलब मैं उनके मतलब बात मानता हूँ यार, उनके मतलब हक बनता है गिला करना, क्योंकि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लाजमी बाद में जब वीडियो में खेता हूँ तो उनका फिर तो मतलब हक बनता है ना यार, कि आगे से फोन वगैरह ये ज़रा सा इशू आ जाता है। मैं आपको आगे वीडियोज़ बना के दिखा दूँगा कि मेरा क्या इशू चल रहा है आजकल। इसके अलावा गाड़ियाँ काफ़ी सेल हो चुकी हैं, मतलब है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा, जल्दी वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको बता दूँगा कि कौन कौन सी गाड़ी सेल हो चुकी है और कौन कौन सी गाड़ी अभी अवेलेबल है। ठीक है, एक सी गाड़ियाँ मतलब काफ़ी कुछ सेल हो चुकी हैं, FS गाड़ी सेल हो चुकी है जिसकी काफ़ी डिमांड थी। इसके अलावा XLi 2006 मॉडल मतलब GLi जो थी वो आप सलोन कलर के अंदर वो सेल हो चुकी है। इसके अलावा एक खाइबर गाड़ी थी जिसका मैंने रिव्यू तो नहीं किया, लेकिन वो मैंने मतलब उसको बनाने वाला था, लेकिन वो गाड़ी ऑलरेडी सेल हो चुकी है। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ सेल हैं, कुछ खड़ी हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हैं, मैंने तो मतलब अभी 90% गाड़ियों को रिव्यू किए ही नहीं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का इस तरह तावान रहा, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और मैं वीडियो में ये बताता हूँ कि मैं कॉल अटेंड ना भी करूँ तो यार आप लोगों को पता है बंगिश मोटर शोरूम है, आप गूगल में डालें कहीं पर भी डालें आप वहाँ पर देख सकते हैं इनका मतलब लोकेशन वगैरह, तो आप मतलब उनसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके देख सकते हैं शोरूम में बड़ा आपको हर किस्म की गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी। इसलिए अगर मैं कॉल नहीं भी अटेंड करता तो इसमें नाराज़ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाईजान आपकी एक कॉल नहीं आती, काफ़ी लोगों की कॉलें आ जाती हैं जिसके अंदर बंदा, अगर मैं आपकी बात की जाए तो अगर आपको एक दफ़ा एक ही टाइम में 30-40 कॉलें आ जाएँ तो आप मतलब कितनी कॉलें अटेंड करेंगे वो बिज़ी हों, तो फिर इसलिए ज़रा सा हो जाता है। मतलब कुछ भाइयों के मैंने अटेंड की, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ भी दे दूँगा कितने लोगों के साथ मैंने बातें की, हर चीज़ की हैं, तो फिर कुछ लोग कहते हैं मेरी कॉल नहीं अटेंड करता, तो ये गलत बात है। हाँ, कुछ लोगों की मिस हो जाती हैं तो इसलिए मैं माजरत हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जिसके अंदर मैं आपको पूरी मतलब वीडियो बनाए जिसके अंदर आपको पूरी हर चीज़ डिटेल बता सकूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अपने भाई को दीजिए सलाम, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।